क्या मैं खाली पीली बस्ती बस में रही। मैंने आप ही कुछ खादा पीता नहीं ना, पानी भी नहीं पिया। लवली व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार यूनिक चैगे का रेसिपी बता रहा हूँ। आई होप कि आपने इससे पहले ऐसा चैगा टेस्टी सा नहीं खाया होगा। बहुत इजी और बहुत ही सॉफ्ट सा बनकर ये चैगा तैयार होता है। इसके लिए आपको चाहिए होगा जो मसाले, उनकी मिकदार चैगे के वेट के मुताबिक ही होगा। अगर 1 किलो चिकन है तो फिर ये मसाला 1.5 टीस्पून आपको डालना पड़ेगा। और अगर आपका चिकन का वेट ज़्यादा है, आई थिंक सो कि जैसे मैंने 3 किलो लिया है, तो इसके लिए आपको हर मसाला 4 टीस्पून ही भर कर डालना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नमक है, नमक भी 4 टीस्पून भर कर, सूख मिर्च जो है वो भी 4 टीस्पून भर कर, और 4 ही टीस्पून भर कर आपको लहसुन पाउडर और 4 ही भरे हुए टीस्पून सफ़ेद जीरे के लेने होंगे। और इसके साथ ही आपको 4 ही टीस्पून चिल्ली सॉस लेना होगा, ठीक है ना जी। चिकन को धोने के बाद 2 घंटे के लिए पानी में डुबो देना है, क्योंकि पानी में डुबो रहने की वजह से चिकन बिहार नाम और मुफरिद स्टाइल का बनता है। मैंने भी 2 घंटे के लिए चिकन को पानी में डिप कर दिया था, और इसके बाद 2 घंटे के बाद पानी से निकाल कर कुछ देर के लिए इसे आपने किसी प्लेट में रख देना है, ताकि इसका जो है इजाफी पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। तो इसके बाद आपने सारा पानी निकल जाने के बाद आपने इसे कट लगा लेने हैं, और कट लगाने के बाद जैसे मैंने कट लगाए हैं ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो, और फिर आपने सारे मसालों को चिकन पर अच्छा सा लगा देना है, ताकि अच्छे तरह से सारे मसाले मैरिनेट हो जाएँ। और इसके बाद 1 दिन के लिए आपने इसे फ्रिज में रख देना है, वो इसलिए कि ताकि अच्छी तरह से इसमें हर मसाले का टेस्ट पेनिट्रेट हो जाए। अगले दिन आपने 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर प्री हीटेड देगरे या देगचे में या फिर कुकर में पकाएं तो बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है ना जी। तो ये देखिए मैं सारे मसाले इससे लगा रहा हूँ, ताकि इसी तरीके से आपने भी मसालों को लगाना है, और कुछ देर तक अच्छा सा रब करना है, ताकि मसाले जो हैं अंदर तक जो है जज्ब हो जाएं, बोन तक चले जाएं। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे चिकन पर सारे मसालों को जज्ब करने के बाद आपने इसे 1 दिन के लिए फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रख देना है, ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से रच जाए और इसका अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। तो मैंने भी 1 दिन के लिए रखा था, तो आप भी इसी तरह से 1 दिन के लिए रखिएगा और फिर अगले दिन बनाएगा, क्योंकि 1 दिन रख लेने से जो है चिकन और जो मीट भी रखा जाए उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये देखिए मैंने फ्रिज में रखा था, अब मैंने निकाला इसे बनाने के लिए, तो देखिए कितना अच्छा सा जज्ब हो गया। अब आपने कुकर ले लेना है, और कुकर में 2 टेबल स्पून ऑयल ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये चिकन जो है ज़्यादा ऑयली अच्छा नहीं लगता, ऑयल से इसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो बस इतना सा 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल डालना है, और प्री हीटेड कुकर को करके या देगरा देगचा जो भी है आपको, जो भी अवेलेबल हो ना आपके लिए इजी हो, लाजमी नहीं कि अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आपने ठीक है ना जी ये देखिए। अच्छा विवेक, एक ख़ास बात और, इस तरह का चिकन मीट जो भी आप इस तरह का बना रहे हैं तो आप इसे हल्का आंच पर ही रखिएगा, क्योंकि तेज़ आंच कर देने से ऐसे जो है डिशेस वो ख़राब हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जल जाते हैं, उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो आपने पहले से कुकर को प्री हीटेड करके, मेरा मतलब है कि गर्म करके, गर्म करने के बाद इसमें इस तरह से आपने इसको चगे को रख देना है जी जनाब, और फिर आपने कुकर को ढक देना है, क्योंकि जब तक हम ढकेंगे नहीं तो स्टीम नहीं बनेगा, और जब स्टीम नहीं बनेगा तो ये अच्छा सा पकेगा भी नहीं, यू नो। कि देखिए कि ये चगे का जो है एक साइड वो पक गया है, मैंने इसका दूसरा साइड चेंज कर दिया है, तो अब ये कम्प्लीटली जो है चगा कुक हो चुका है। ये देखिए दूसरा साइड भी कितना ब्यूटीफुल सा है,
माशाल्लाह से कितना लवली टेस्टी सा बन गया, माय फेवरेट डिश। तो आप इसी तरह से पकाइएगा धीरे धीरे, होले होले, धीरे धीरे प्यार होता है ना, होले होले से। तो इसी तरह से ये धीरे धीरे से पक कर मज़ेदार टेस्टी हो जाता है। वैसे बाद में भी बस जो धीरे धीरे काम होते हैं ना वो बड़े अच्छे होते हैं। वो कहते हैं ना हेस्ट मेक्स वेस्ट, को जल्दी का काम जो है ना वो जल्दी का काम ख़राब होता है। अच्छा जब चायगा आलमोस्ट कुक हो जाए तो आप 5-6 जो हैं ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इनका एक बड़ा यूनिक सा टेस्ट आता है। मैं तो हर दफ़ा हर चायगे में चिली ज़रूर ऐड करता हूँ। आप सब भी ये यूनिक सा चायगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसा बना ये भी बताइएगा। और हाँ, अपना अपने सब का ख्याल रखिएगा। इन शाला कला मिलेंगे नया रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह